कौन दिखाता है सुपर बाइक्स? मेरे हिसाब से ना अभी तक ना अपने यहाँ रजौरी में किसी बंदे ने भी ये बाइक्स वगैरह नहीं दिखाई हैं, तो आप सभी लोगों का यही फर्ज बनता है कि भाई को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका भाई भी ना अपने ड्रीम्स वगैरह फुलफिल कर सके। और ओ भाई, नो वाइब्रेशन, सीरियसली बहुत ही स्मूथ, क्या भागती है यार ये। वो भाई BMW की, गाइस मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यार BMW की बाइक पे राइड कर रहा हूँ। और यार विंड स्क्रीन देख लो आप आगे, उसका मीटर भी काफ़ी सेक्सी सा लग रहा है। फर्स्ट गियर में 55, सेकंड गियर देख लो 84, थर्ड गियर 105। ओ भाई क्या भागती है यार ये। सुन रहे हो भाई, आज मेरे को अपनी एक और गाड़ी मिल गई, पबजी वाली है, देखिए बबल बी। और ये है 2022 भाई साहब, है भी 4x4 है ये, पीछे चेक कर लो तो आप प्लीज चेक करेंगे। और बताओ फिर कैसा लग रहा है? सारे राइडर्स गाइस देख लो इधर, मस्त व्हील है ब्रो, बस सुपर बाइक्स भी देख लो। बस आप लोग ना थोड़ी हमें भी सपोर्ट कीजिए, तब हम भी इतनी बड़ी नहीं, बट हाँ चलो इससे थोड़ी छोटी बाइक हम भी ले सके। ये देख लो गाइस, भाई के हाथ देख लो, भाई मेरे को सपोर्ट करो कि मैं R1 ले पाऊं। गाइस R1 है यार, सीरियसली यार, भाई प्लीज सपोर्ट करो, बस प्लीज सपोर्ट करो, बस यही कहेंगे ठीक है। आगे बाइक्स, आज भाई जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं ना, सीरियसली जो यार बच्चे हंस रहे हैं ना, वो जो मूवमेंट होती है ना, जो वो यार बच्चे देखकर हंसते हैं, वो सबसे प्यारी मूवमेंट होती है यार। और ये हार्ले सीरियसली पूरा बुल लग रहा है यार, रेड बुल ठीक है, ये देखो सी दिस सुपर बाइक्स। वाह गाइस, ये होता है ड्रीम यार, सीरियसली जिस आपके भाई के पास ऐसी बाइक आ जाएगी ना, फिर देखना भाई तुम्हारा कैसी तबाही मचाएगा। अभी जस्ट हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मुकेरिया में, वो यार बर्गर किंग के बाहर, और अपने राइडर देख लो सारे आ चुके हैं। और ये होता है गाइस संडे का दिन ना, काफ़ी ख़तरनाक सा, और सब बाइक्स हैवी बाइक्स है, और एक अपने पास ये बेचारी छोटी सी बाइक है ठीक है भाई। See this. Harley Davidson guys, ये देखो कितना बाहर से मोड़ना पड़ता है ये बाइक ना, हम भी लगा लेते हैं सुपर बाइक्स के बीच, कहाँ पे लगाए हम, बाइकर्स। मैंने बोला कि मैंने भी है ना बड़ा खींचा बुलेट, बट फिर भी आप कहाँ आप निकल जाते हो। समझ सकता ना, ट्रैफिक भी काफी अच्छा था जी, हाँ ट्रैफिक भी अच्छा खासा था, इसलिए तो आप लोग साथ, नहीं तो आपने कब का पहुंचाना था इधर, हमने कहीं पीछे रहना था। हाँ तुम्हारी फीलिंग मैं समझ रहा हूँ, कोई ना यार, ये बाइक ना सीरियसली बहुत अमेजिंग लग रही है यहाँ खड़ी होकर, और लोगों के जो रिएक्शन से ना, सब लोग एकदम से अपनी अपनी नजरें गड़ा दी है इधर। हाँ जी कैसा, बढ़िया, जीनोसो का फ्लाईवे देखा ना यार, एक नहीं मिली मेरे को फ्लाईवे, क्यों दिखाई नहीं कहाँ पे, और जी 900 भाई, फिर मेरे को सिर्फ आवाज ही पीछे आती थी कि चल रही है, आगे का पता ही नहीं है क्या हो रहा था। एंड हियर गाइस फाइनली अभी हम सब भाई लोग पहुंच चुके हैं मुकेरिया में, ये रहा पीछे वो बर्गर किंग, और सारे बाइक्स देख लो गाइस, सब सुपर बाइक्स की कैटेगरी में, सारे सुपर बाइक्स, हार्ले डेविडसन और वो ये स्ट्रीट ट्रिपल आर जो के है ये ट्रायम्फ का। एंड हियर इज अवर वन मोर बाइक डैडी सुपर बाइक, उसका नाम है यार कावासाकी Z900। और सच बताएंगे स्टीफन भाई, वो यार कैसा लगा राइड करके? बोलते कि हमारी शक्ल या छपरी की तरह, बट हमें छपरी मत बोलो, तो सीरियसली सही बात है, छपरी नहीं हम, क्योंकि देख लो हम सुपर बाइक के साथ राइड करते हैं, तो डोंट से छपरी। और एक बार ना कुछ सिनेमैट्स वगैरह निकाल लेते हैं, वो एंजॉय करो, फिर चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट का प्लान क्या रहता है।
भाई प्लीज हमें छपरी ना कहिए, क्योंकि जो छपरी होते हैं वो सुपर बाइक के साथ राइडिंग करते हैं, जैसे आप देख ही पा रहे हैं कितनी बाइकें लगी हैं, सुपर बाइक है सारी। गाइस ये देख लो यार, पूरा लाइन अप है। शुरुआत करते हैं हम अपनी सबसे जो ग्रुप की ना सबसे प्यारी बाइक है, अपनी R15M जो कि अपनी जॉनी बाइक ही है, क्योंकि अपने लिए फिलहाल तो यही काफ़ी है। एंड हेयर इज अवर हार्ले डेविडसन। गाइस ये बाइक देख लो आप एक बार ना, इसको देखकर आपको कभी लगेगा नहीं कि ये बाइक ऐसा लगेगा कि ये यार जीता जागता घर है। और इसकी कुछ देख लो लुक इस तरह की है, ठीक है। और हेयर इज अवर फैट बॉय, इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा सा और अच्छा लग रहा है। इसकी ये जो आगे है या विंड स्क्रीन, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। एंड गाइस ये देखो हार्ले डेविडसन का स्ट्रीट 750, बड़ा प्यारा सा बाइक है, बहुत ही भागता है ये। एंड गाइस ये चेक करें आप, ये चेक करें, ठीक है ना। वो जो जिसने अगर तो ये नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, ठीक है। स्ट्रीट ट्राइम या ट्रिपल RS, बहुत प्यारा बाइक है वो। ये है ये ट्रिपल सिलेंडर बाइक है और इसमें एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही लाउड है और काफ़ी स्मूथ सी आवाज़ है इसकी। और इसकी आगे से ये जो ये वाली लाइट्स हैं ये बहुत प्यारी लग रही है। एंड हेयर इज अवर फैट बॉय, जो इसका कलर है रेड और काफ़ी प्यारा सा लग रहा है ये भी। और अपना ब्लैक बुल पीछे देख लो आप, शांति खड़ा है, अलग ही खड़ा किया हुआ है। एंड हेयर इज अवर ये वो ये कावासाकी Z900 जो कि अपनी मयंक बाइक की है, सामने पे देख पा रहे हो। इसमें तो भाई सुपर लोड एग्जॉस्ट है, बहुत ही प्यारी सी। एंड हेयर इज अवर कावासाकी Ninja 300। एंड हेयर इज अवर वो ये कॉन्टिनेंटल GT650 रॉयल इनफील्ड की, ये फैट बॉय, ठीक है, एक और वाइट कलर का। एंड हेयर इज अवर BMW G310, ठीक है। काफ़ी खतरनाक सी बाइक्स हैं, सारी बाइक्स आप देख लो आप एक बार। ये पूरा लाइनअप है, सारे राइडर्स भाई लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं फिलहाल, और कुछ देखते हैं नेक्स्ट का क्या प्लान रहता है, जो कुछ भी होता है आपको बताते हैं। सो व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। जब अभी हम राइड करने वाले हैं BMW की बाइक, और इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इस बाइक को राइड करने वाला हूँ। गाइस लगाते हैं चाबी और लेते हैं ऊपर वाले का नाम। ओ भाई क्या खतरनाक भाग रही है यार ये बाइक ना, वो भाई बड़ी खतरनाक सी बाइक है यार ये। ओ माई गॉड, थोड़ा सा हम ना पीछे देख कर ना चलते हैं हम रोड पे, छोटा सा रोड अप लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हम इसका ना। और काफ़ी शानदार सी चल रही है आप। ओ भाई नो वाइब्रेशन, सीरियसली बहुत ही स्मूथ, क्या भागती है यार ये। ओ भाई BMW की, गाइस मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यार BMW की बाइक पे राइड कर रहा हूँ। और यार विंड स्क्रीन देख लो आप आगे, उसका मीटर भी काफ़ी सेक्सी सा लग रहा है। एंड ये कुछ इधर भाई ने ना स्विच वगैरह लगाए हुए हैं, तो ये जो आगे वाली लाइट्स हैं इनके लिए, तो इनको हम ऑन कर लेते हैं, फिर खतरनाक सी रोड प्रेजेंस बनेगी। और मिरर भी देख लो इसमें कुछ ऐसे लगते हैं, और भाई क्या लग रही है यार ये, और क्या चलती है। 6th गियर अभी मैंने डाला हुआ है, तो भाई बहुत ही प्यारी ये बाइक ना चल रही है सीरियसली। ओ भाई फर्स्ट गियर में 55, सेकंड गियर देख लो 84, थर्ड गियर 105। ओ भाई क्या भागती है यार ये सीरियसली, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये यार 310 सीसी की बाइक है, बुलेट से तो काफ़ी ऊपर है ये, मतलब अनबीटेबल यार सीरियसली एंड अनबिलीवेबल। सिर्फ मेरे को थोड़े से पाँव में इसकी वाइब्रेशन फील हो रही है, क्योंकि पावर बाइक में है और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि रॉ पावर है इस बाइक में मेरे हिसाब से ना। और तो डैट्स वही, और यही रीज़न है कि इसके लिए हमें ऐसा फील हुआ है। क्या यार क्या चीज़ है यार ये सीरियसली, बहुत प्यारी चीज़ है यार ये, बहुत प्यारी चीज़ है, ज़बरदस्त सीरियसली अमेजिंग, मज़ा आ गया यार इसको राइड करके ना। आप खुद देख लो यार कौन दिखाता है सुपर बाइक्स, मेरे हिसाब से ना अभी तक ना अपने यार रजौरी में किसी बंदे ने भी ये बाइक्स वगैरह नहीं दिखाई हैं। तो आप सभी लोगों का यही फ़र्ज़ बनता है कि बाइक को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका भाई भी ना अपने ड्रीम्स वगैरह फुलफ़िल कर सके। और उसके बाद बाकी जो कुछ भी बातें हैं वो बाकी बाद में ही करते, क्योंकि भाई लोग अपना इंतज़ार कर रहे हैं। अरे सीरियसली यार, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं इसको बोलूं कि ये बाइक अच्छी नहीं है, और बहुत ही कंफर्टेबल देख लो, खड्डू खुड्डू का तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या है यार। और गाइस इधर आ चुकी है अपनी बहुत ही फ्रेश टी अपने बाइक के साथ, और ये जो बाइक है ना अपनी वो या BMW जो जस्ट मैंने राइड की है, ये अपनी इन बाइक ही है। मेरा नाम असीम है, असीम पठानकोट से हूँ जी। जी जी जी
ये बाइक लिए अभी मेरे को 2-2.5 महीने ही हुए। ये वाली है ना, ब्रांड न्यू बाइक है, सीरियसली मैंने चलाई, मजा आ गया इसको राइड करके, ऐसा लगता है कि सुपर बाइक ही चला रहे हैं। अच्छी चीज इस बाइक में लगती है वो इसकी सस्पेंशन है। सस्पेंशन है, कोई भी ट्रैक पर होते हैं हम लोग, किसी भी रास्ते पर होते हैं, यूजली जहाँ पर बाकी राइडर्स को फटीग हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल खराब रास्ता उनको बहुत ज्यादा महसूस होता है, यहाँ पर इस बाइक पर पता भी नहीं चलता हुआ है। बहुत बहुत कम्फर्टेबल है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। फाइनली अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, और सारी बाइक्स आप देख लो, सारी बाइक्स अपना ब्लैक बुलेट देख लो, एकदम चमत्कार। और ऐसी कुछ लोकेशन पे आज हम आए थे, और आवाज ही आवाज गाइस फैट बॉय की। और ये गाइस, ये है गाइस मेरा क्रश, ठीक है, और ये ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर, बहुत ही प्यारी बाइक है। और भाई बैक फायर चेक करो यार, तो फाइनली भाई लोग अभी हम आ चुके हैं यार पठानकोट वो या डॉन टाउन पे, और सारी बाइक्स गाइस अभी इधर आ चुकी हैं। फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, ये भी ना एक पॉइंट है वो ये राइडर पॉइंट, और ये देख पा रहे होंगे आप पीछे, ये है यार डॉन टाउन जो कि बहुत ही फेमस है इधर पठानकोट में, जो भी राइडर हैं सब यहाँ पे आते हैं, और पीछे अपने भाई लोग सारे राइडर्स इधर खड़े। और आज के व्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो यार भाई को ना, ये हो ये जल्दी जल्दी मेरे 3K हो जाने चाहिए, फिर एक मस्त सरप्राइज लाएंगे आप लोगों के लिए। बाकी वो ये टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।